जी, अयोध्या पुलिस द्वारा हमें दिनांक 21/8/2024 को सूचित किया गया कि एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा अयोध्या में प्रवीण पांडे पेशर राजकरण पांडे को यह धमकी दिया गया कि अयोध्या को उड़ा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां जमुई के खैरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति जो है वो मानसिक विक्षिप्त रूप से बीमार है, जिसने अयोध्या के एक व्यक्ति जो कि कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम प्रवीण कुमार पांडे बताया जा रहा है, उनको कॉल करके अयोध्या उड़ाने की धमकी जो उक्त व्यक्ति है उसके द्वारा दिया गया, जिसके बाद जो है अयोध्या की जो पुलिस है वो हरकत में आती है। ये घटना 20 अगस्त की है। 20 अगस्त को जो उक्त व्यक्ति है उस प्रवीण कुमार पांडे को कॉल करता है और कहता है कि मैं अयोध्या को बम से उड़ा दूंगा, जिसके बाद 21 तारीख को अयोध्या पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करती है और जम्मू पुलिस से संपर्क करती है, क्योंकि जो जिस मोबाइल से कॉल किया गया था उस मोबाइल का टावर लोकेशन जमुई के खैरा थाना अंतर्गत आ रहा था, जिसके बाद जम्मू पुलिस भी हरकत में आई है और जम्मू पुलिस ने तुरंत ही एक टीम गठित करके उस व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके बाद जो यूपी पुलिस है वो आज जमुई के खैरा थाना पहुंची है और उस व्यक्ति से पूछताछ की, जिसके बाद यह प्रतीत हुआ कि यह जो आदमी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसने अयोध्या के एक व्यक्ति को कॉल करके अयोध्या उड़ाने की धमकी दी है। तो मैं मौजूद हूँ अभी यहीं खैरा थाना में। खैरा थाना के जो SHO हैं और DSP भी हैं दुर्गेश दीपक, उनसे हमारी बातचीत हुई है पूरे मामले में, वो क्या कुछ बता रहे हैं पहले सुन लीजिए। अयोध्या से रिलेटेड एक मामला जमुई थाना खैरा आ रहा है, तो क्या पूरा मामला है? जी, अयोध्या पुलिस द्वारा हमें दिनांक 21/8/2024 को सूचित किया गया कि एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा अयोध्या में प्रवीण पांडे पेशर राजकरण पांडे को यह धमकी दिया गया कि अयोध्या को उड़ा दिया जाएगा। इस संदर्भ में कैंट थाना में 224 अपराध्मिकी दर्ज किया गया है, जिसके पश्चात तकनीकी अनुसंधान में उक्त मोबाइल नंबर का लोकेशन खैरा में पाया गया। जमुई पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में खैरा थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मोबाइल धारक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया हमें यह एहसास हुआ कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस पश्चात अयोध्या की टीम यहां पे पूछताछ कर रही है और जमुई पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, वो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो होगी या फिर क्या होगा सर? मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई उस तरह का नहीं है। तो सर, केस दर्ज हुआ है वो सर अयोध्या में किया गया? जी, केस अयोध्या कैंट थाना में दर्ज किया गया है, अपराध्मिकी है, नॉन कॉक। ये खैरा थाने का ही रहने वाला आदमी है? हाँ, रहने वाला खैरा थाना का ही। अच्छा, मानसिक रूप से विक्षिप्त? मानसिक रूप से विक्षिप्त। थैंक यू। आपने क्या कुछ कह रहे हैं खैरा थाना के SHO साहब, DSP दुर्गेश दीपक, वो बता रहे हैं कि उनको सूचना मिली जिसके तहत उन्होंने कार्रवाई करते हुए जमुई जो SP हैं उनको कॉल आया। जमुई SP को कॉल आने के बाद उन्होंने एक टीम गठित करके इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पता चला कि यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन जो अयोध्या के थाने में यह मामला दर्ज हुआ था, तो जब तक अयोध्या की पुलिस यहां पर आती नहीं तब तक कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती, लेकिन आज अयोध्या की पुलिस भी आ गई है और पूछताछ कर रही है। अब हालांकि देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि यह जो आदमी है यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसने कॉल करके अयोध्या उड़ाने की धमकी दी है। फिलहाल जो जमुई पुलिस और जो अयोध्या पुलिस है दोनों उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।